से सख्त सन टैन जो हमारी जिल्द पे हो जाता है, हाथ पांव और गर्दन और पांव पे हो जाता है, चेहरे पे हो जाता है, धूप की वजह से जब हम बाहर जाते हैं बाज़ औक़ात हम सन ब्लॉक लगाना भूल जाते हैं, जिससे हमारी जिल्द बहुत मुतासर होती है। तो इस नींबू में दो चीज़ें मिलाएं और अपनी जिल्द को साफ करें और इसे सन टैन से छुटकारा हासिल करें। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी लेके हाजिर हुए, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। कि जैसे कि ये आप देख रहे हैं, नींबू और टूथपेस्ट और ये चीनी, चीन का कमाल है, जिससे हम अपने हाथों और जैसे कि हमारे हाथ और पाँव और चेहरे की जिल्द झुलस जाती है, कुछ इस तरह से हो जाती है। जब हम बाहर जाते हैं तो बाज़ औक़ात हम सन ब्लॉक लगाना भूल जाते हैं और जो हमारा हिस्सा बाहर नजर आता है, जैसे कि इस कपड़े के अंदर नहीं होता हाथ और पाँव और चेहरा, तो इनमें चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती है और हाथ पाँव हमारे बहुत ज़्यादा सन टाइट हो जाती है, जिससे हमारे हाथों की जिल्द कुछ मोटी भी हो जाती है और बदनुमा हो जाती है। तो आज के बाद आपने सबसे पहले करना क्या है कि इस तरह से लेमन लेना है और ये टूथपेस्ट लेनी और चीनी लेनी। इन चीज़ों से आपने अपने हाथों और चेहरे और पाँव को किस तरह से साफ करना है, तो ये बहुत ही आसान है बिना किसी ही चीज़ के लागत के कि आपका कोई पैसा, एक पैसा भी लगेगा। सबसे पहले आपने लेने दो लेमन, लेमन को काट लेना। काटने के बाद आपने छुरी की मदद से इसके अंदर इस तरह से थोड़े थोड़े टक लगा देने और इसमें जो बीज है वो निकाल देने आपने इस तरह से, क्योंकि बीज हमारे किसी काम के नहीं। इसी तरह आपने सारे पीसों को, चारों पीसों को, दो लेमन जो काटे हैं इनके चारों पीसों को आपने इस तरह से करना, इनमें से लेमन के बीज जो है वो निकाल देने हैं। तो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने अपने चेहरे और पाँव और हाथों को किस तरह से आपने सन टाइट से महफूज रखना है और अपने जो बदरमा दाग है इनसे किस तरह से आपने छुटकारा हासिल करना है। तो ये मैंने बीज निकाल लिया और इसके अंदर हमने हल्के हल्के टक लगा दिए इस तरह से, क्योंकि जब हम इसे अपने हाथों पे अप्लाई करें तो ये अच्छे तरीके से रैप हो सके। इस तरह से आपने टक लगाने के बाद इसको देखना है कि अच्छी तरीके से, ये टक लगाने का मकसद ये है कि इसका जूस अच्छी तरीके से निकले और हमारे हाथों पे जो हम करने जा रहे हैं उसका असर अच्छी तरीके से हो। तो आपने सबसे पहले क्या करना, चीनी लेनी। चीनी अगर आपके पास मोटी है तो आपने इसको बारीक कर लेनी, बेशक आप ग्राइंडर में कर लें या आप किसी कुंडी डंडा में रख के इसको बारीक कर लें, इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। मेरे पास बिल्कुल बारीक चीनी है, वो मैंने ले ली है, ये मोटी वाली थी ये मैं नहीं लूँगी। तो इस तरह से हमने करना क्या, सबसे पहले हमने एक लेमन लेना, लेमन के ऊपर हमने इस तरह से टूथपेस्ट लगानी है। अगर वाइट वाली हो तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो इस तरह से आपने करना क्या, ये चीनी जो है, चीनी आपने इस तरह अपने हाथ की मदद से, क्योंकि हम चम्मच की मदद से भी डालेंगे तो उतनी अच्छी तरीके से जलेगी नहीं, ये देखिए इस तरह से आपने इसके ऊपर डालनी है, ये सारी इसके ऊपर आ गई। तो आपने इस तरह से अपने हाथ को के ऊपर इसको इस तरह से रैप करना है। अगर हो सके तो आपने थोड़ा सा, आपके घर में हनी है तो वो भी आप इसके ऊपर लगा लें। मैं अभी लगाकर आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने, तो इस तरह से आपने हल्का सा इस शहद का अप्लाई करना है और इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से रैप करना है। इससे अभी आपके हाथ, आपके सामने मैं अपने हाथ पे दिखाऊंगी किस तरह से इसकी ग्लो हुई और कितना अच्छा इसका रिजल्ट आने वाला। तो ये बिना किसी लागत के मेरी बहनें जो इस तरह के मसाइल से दो चार हैं, वो उनके लिए बहुत ही आसान और ईजी ये टोटका है, जिससे आप अपनी जिल्द को, अपने चेहरे को, ये चेहरे पर भी लेमन लगाएँ, चीनी लगाएँ, तो इससे कोई आपकी स्किन को कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बल्कि अच्छे तरीके से जो जैसे आपके चेहरे पे बदनुमा दाग हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने करना क्या, मैं अभी आपको हाथ भी करके दिखाती हूँ और अपने पाँव भी, इसी तरह से आपने इनको साफ करना है। तो ये तकरीबन आपने 5 से 6 मिनट इसी तरह अपने हाथों के ऊपर अप्लाई करना, बल्कि जो आपके नाखून है ना, अपने जो नाखूनों पे बदनुमा दाग लगे होते हैं उनको भी आप इस तरह से साफ कर सकते हैं, अपने नाखूनों पर भी लगाएं, क्योंकि अक्सर हम काम इस तरह से करते हैं कोई ना कोई कलर होता है तो वो हमारे नाखूनों को लग जाता है तो वो उतरता नहीं। तो आपने इसी तरह से करना। अगर ये चीनी कम लगे आपको तो आपने थोड़ी सी चीनी और इसके ऊपर इस तरह से चम्मच की मदद से आप इसके ऊपर और अप्लाई कर लें और इसको इस अच्छी तरीके से करें, क्योंकि जो स्क्रैप चीनी की से होता है वो किसी और चीज़ से नहीं होता। चीनी में बहुत अच्छी इससे हमारी वो जो जिल्द है वो स्क्रैप होती है और इससे अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये देखिए इस तरह से मैं अभी आपको वाश करके भी दिखाती हूँ कितना अच्छा रिजल्ट आया, फिर मैं आपको अपने पाँव भी में भी अप्लाई करके दिखाऊँगी कि कितना फ़र्क पड़ा पाँव को। लेमन में विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन की ग्लो के लिए बहुत अच्छी होती है, शाइनिंग सी आती है,
जाती है इससे, तो इससे बहुत अच्छा स्क्रब बनता है और हमारी जिल्द को जो है धूप से मुतासर हुई होती है उसको ये बचाता है और इसमें एक अच्छी सी ग्लो आती है। तो अभी मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ। आप लोग इग्नोर करें प्लीज़, मेरी गला ठीक नहीं है, आवाज़ मेरी फटी फटी बदनमासी है। तो अभी मैं इसको वॉश करके दिखाती हूँ ये इस हैंड में और इसमें कितना फ़र्क आया। तो ये देखें जी मेरा हाथ कितनी अच्छी तरह से ये एकदम चमक गया और ग्लो मेरे हाथ पे किस तरह से नज़र आ रही है। और ये मेरे नाखून जो थे इतने इसमें बदनुमा दाग थे वो भी ख़त्म हो गए और ये देखें साफ फ़र्क साफ जाहिर है। तो इसमें पे मैंने अप्लाई नहीं किया, इस पर मैंने अप्लाई किया तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी होगी। इसी तरह मैं अपने पाँव पर तो भी आपको करके दिखाती हूँ किस तरह से मेरे पाँव जो है उसमें कितना फ़र्क आएगा और फ़र्क आपके सामने है। क्योंकि गर्मियों में अक्सरियों की वजह से हमारी स्किन जो है वो झुलस जाती है, उसमें बहुत सन टाइट हो जाती है से बदनमा दाग भी बन जाते हैं। तो किस तरह से हमने अपनी केयर करनी है घर में रखी हुई चीज़ों से बगैर किसी एक रुपए की लागत के। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे किस तरह से मैं अपने पाँव को ही साफ करती हूँ। तो ये देखें जी गर्मियों की वजह से बाहर जाते हैं हम, इस तरह से मेरे पाँव की कुछ इस तरह से हो जाती है, सब गैर बाइयों की ऐसे हो जाती है। क्योंकि अक्सर हम धूप में जाते हैं बाहर गर्मियों के दिनों में तो अक्सर हमने चप्पल पहनी होती है क्योंकि वो शूज़ वगैरह तो कम ही पहनते हैं। ज़्यादा हमारे मुल्क में ज़्यादा गर्मी होती है, कम सर्दी होती है, तो इस तरह से कुछ हो जाता है। जैसे हमारे चेहरे और हाथ को मुतासर करते हैं, इसी तरह हमारे पाँव की जिल्द भी मुतासर होती है। तो आपने करना क्या है, इसी तरह से आपने लेमन के ऊपर टूथपेस्ट लगानी और चीनी लगानी और अपने पाँव को इसी तरह से आपने रैप करना है। ये देखें इससे आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अक्सर हम अपने पाँव की ये इतनी केयर नहीं करते जितनी हम अपने चेहरे की और हाथों की करते हैं, तो पाँव हमारे हमेशा ही मुतासर हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने ये लेमन की मदद से अपने पाँव के ऊपर, दोनों पाँव के ऊपर इसी तरह से आपने अप्लाई करनी है। बल्कि अक्सर हमारी नमाज का निशान पड़ जाता है वो बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, तो इस तरह से हमारे जो निशानात होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये आपने इसी तरह अपने हाथों और पाँव को इसी तरह से लेमन के साथ तकरीबन 5 से 7 मिनट रैप करना है और अपने पाँव के जो नाखन है उनके ऊपर भी आपने यही लेमन इस तरह से अप्लाई करना है। इससे बहुत अच्छी शाइनिंग होगी और आपके पाँव की जो जिल्द है वो बहुत ग्लो करेगी और इसमें एक अजीब सी फ़र्क आपको साफ जाहिर होगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसको रिजल्ट मिलता है आपको। ये देखें कितनी अच्छी तरीके से मेरे पाँव पर हो रहा है। तो इसी तरह से आपने 5 से 7 मिनट अपने दोनों पाँव के ऊपर इस तरह से इसको अप्लाई करना। तो इस तरह से आपको महंगे महंगे लोशन और क्रीमें लाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये देसी टोटका आप इस्तेमाल करें और अपने पाँव को और हाथों और चेहरे को चमकाएं। आप इसको हफ्ते में 2 बार भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला। अभी मैं आपको इसको वॉश करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखें जी मेरे पाँव पे फ़र्क साफ जाहिर है, कितनी अच्छी तरीके से मेरी स्किन जो है एकदम से इसमें चमक आई है। तो आप भी इसी तरह से अपने नीचे पाँव और हाथों की स्किन को चमकाएं और अपनी सन टाइट से बचाएं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।